हॉट एंड हैपनिंग हमारी स्वीटहार्ट, हाउ आर यू कम? आज तू राखी का कुछ रॉन्ग वॉन्ग नहीं बोला ना राखी के लिए? वो कभी नहीं बोलता, मेरे कोई सब मेरे दोस्त हैं, कोई नहीं बोलता। निकी कम ना, निकी बीच में आ जा, आओ तू बीच में, निकी को बैठ जा। खड़े हो जाते क्या क्या कर रहे हो? ये हमारे बिग बॉस की देखिए निकी तमोली, आवाज आ रहा है सबको? बहुत कम बोली है ये, थैंक यू, आधा सेकंड लेट दबाने का। एंड हॉट एंड हैपनिंग, 14 पेटी हॉट लग रही हो, यही तो मैं हूँ राखी सावन। अंदर कुछ नहीं था पहनने को, क्या करूँ? इसका मेकअप वापस किया? हाँ, मेकअप लाई हूँ। लाई है वापस करने? डोंट टेल मी या। और इसके लिए परफ्यूम, तुमने इसके लिए परफ्यूम लाया है? अरे आप छांज रही है निकी, आज कोई गिले शिकवे नहीं है, तभी तो आए हैं ना। वो बस एक गेम था, गेम खत्म हो गया। देखिए वो वहाँ पे रहता है, आपको नहीं, जब तक आप अंदर नहीं रहेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि एक दिन मतलब कितना लंबा डे रहता है और आपका दिमाग अंदर काम ही नहीं करता है। आप क्या करते हो अंदर कुछ पता नहीं चलता है। आप हंसते भी हो, नेक्स्ट पल में आप झगड़े भी करते हो, नेक्स्ट पल में आप दोस्त भी बन जाते हो, नेक्स्ट पल में आप दुश्मन भी बन जाते हो, बिकॉज वही उतनी ही शक्ल है और दरवाज़ा बाहर लॉक है। तो आप अगर आपको कोई नहीं पसंद है या पसंद, आप दरवाज़ा खोल के डोर खोल के आप बाहर जा नहीं सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। एक बात बता रही हूँ राखी के बारे में, कुछ भी हो राखी, प्लीज नो कंट्रोवर्सी। एक चीज कहता हूँ, मैं राखी के कुछ बार खिलाफ भी बोल रहा हूँ उसके बारे में और उसके फैंस के बारे में, तुम दोगले एक में कुछ और बोल रहा हूँ। और मैंने ये भी कहा है, मैंने बिग बॉस से भी नाराज रहा हूँ कि राखी के लिए जिस तरह उन्होंने पक्षपात किया, मगर राखी ने किसी तरह से भी ये सीजन खुद चलाया, ये बात सत्य है। चैनल में जितना खर्चा हुआ राखी की वजह से ही वापस वो खर्चा पूरा, जो नुकसान हो रहा शो वो फायदे में गया, सिर्फ और सिर्फ राखी का। भले मैं उसके जो मार्क से एग्री नहीं करता हूँ, उसके पैंतरे से एग्री नहीं करता हूँ, ना तो उनकी फैन बेस से एग्री करता हूँ, पर ये एग्री करता हूँ कि राखी ने सीजन 14 चला। तुम एग्रीकल्चर हो इसलिए तुम हर चीज एग्री नहीं करते हो। डोंट बी चीप राहुल माजर, चलो चीप बातें बंद करो। आई लव माय फैंस, आई लव माय जनता, आई लव माय मीडिया, क्या बोलते हो? किस चीज का पक्षपात? सपोर्ट किया मतलब? हाँ, तुमको कितना सपोर्ट करते थे? तो अच्छी बात है ना, अगर मैं सही हूँ, सच्ची हूँ, अपफ्रंट हूँ, सच्ची हूँ, तभी सलमान जी किसी को सपोर्ट करते, बिग बॉस सपोर्ट करते हैं। एक टाइम पे मेरे लिए दरवाजा भी खोला था सलमान जी ने, जहाँ मुझसे थोड़े पीछे का दरवाजा खोल दिया था, जहाँ पे मुझसे गलती हुई थी। मुझे भी भेजा था इसको कंट्रोल करने, बहुत हार्ड है इसे कंट्रोल करना। तुमने मुझे कुछ नहीं करने दिया था भाई, 14 पेटी तुम्हारी वजह से ही मैंने लिया था। हाँ, वो भाई 14 लाख में निकाल दिया तुमने उसको यार, बहुत लोग नाराज हो गए। नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे जितने भी निक्की, सोनाली जी, राहुल, जितने भी मेरे अंदर दोस्त थे, कंटेस्टेंट थे, जिन्होंने अपना अपना दिमाग से अपना अपना रोल प्ले किया, मैंने अपने दिमाग से रोल प्ले किया वहाँ पर। आई प्राउड ऑफ एवरीवन, दे आर ऑल आर हार्ड वर्किंग, और मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया हमारे लिए। मेरा तो सेकंड इनिंग था, मुझे आना था, अपना करियर बनाना था। और देखिए, थैंक्स कहना चाहती हूँ बिग बॉस 14 को, सलमान जी को, और जितने मेरी देश की जनता है कि आई लव यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया और हम लोगों को देखा और हमारा बिग बॉस 14 को हेट किया, तो आज मैंने ट्रॉफी का ही, हमको ट्रॉफी तो नहीं मिली बट हम ट्रॉफी का ही मैंने केक बनाया है। अच्छा, सेम केक बनाया है बट, लेकिन मेरी ट्रॉफी मेरी जनता है, उनका प्यार है, जनता का प्यार ही मिला है, वही हमारी ट्रॉफी है। और सलमान जी हमारी ट्रॉफी है, और उनका दिया हुआ ब्रेसलेट ही हमारी ट्रॉफी है। राहुल,